औद्योगिक नगरी पिथमपुर के धार सेक्टर एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने ऐसे दो धोखाधड़ी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो किसानों से किराए पर ट्रैक्टर लेकर उन्हें अन्य जिलों में बेच देते थे। थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक टीम गठित कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 ट्रैक्टर, 6 ट्रॉली, 1 टैंकर, 1 पिकअप जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना है ये। सुरेंद्र पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपना एक ट्रैक्टर और ट्राली मनोज नाम के एक व्यक्ति को भाड़े पर दिया था। काफ़ी दिनों तक तो वो आनाकानी करता रहा, उसके बाद उसने फिर मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। और इसी तरह से 7-8 लोग और भी आए, उन्होंने भी बताया कि मनोज को इकरारनामा करके उनने भी अपने कुछ वाहन ट्रैक्टर ट्राली और पिकअप वगैरह दिए थे। बाद में जब तलाश की तो मनोज और गोपाल दोनों यहाँ से लापता हो गए। तो फरियादी लोगों की रिपोर्ट पर हमने जो है 420 406 का मुकदमा कायम किया और इनकी पता की, तो मनोज को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि जो ट्रैक्टर और ट्राली इन्होंने भाड़े पे लिए थे वो इन लोगों ने जो है लोहा मंडी इंदौर और रेत मंडी में किसी को दे रखे हैं और उसको लगभग ये बेच चुके हैं। जब इनसे सख्ती से पूछताछ कर अलग अलग पूछताछ की गई और इनकी निशादेही से आज हमारी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर खान, ASI KK परिहार, आरक्षक शैलेंद्र, प्रधान आरक्षक सूरज तिवारी, ये लोग गए और पूरे 8 ट्रैक्टर, 8 ट्राली और 1 पिकअप गाड़ी बरामद की है। आपका नाम और पद बताएं। संतोष दूधी, TI सेक्टर 1।